हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्प क्लासेस पर। तो हम सभी को पता है कि भी हरियाणा में जो एग्जाम होने वाले हैं कॉन्स्टेबल प्लस SI, तो उसके लिए हमने कंप्लीट वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आपकी जो कंप्लीट स्टेटिक GK हरियाणा की, प्लस में कंप्लीट इंडिया GK, प्लस में आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है जिसमें ग्रामर प्लस वोकैब, वो सारी हम कम से कम 40 से 50 वीडियो में आपको हम कवर करवाएंगे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे हरियाणा GK के बारे में। इसके पीछे वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज पहले पिछले वाले पार्ट्स देखिए, ताकि आपका पिछले वाला कवर हो जाए, उसके बाद इस पार्ट को देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, योग गुरु रामदेव हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर है महेंद्रगढ़। आपको पता है योग गुरु रामदेव जिनकी आज एक बहुत बड़ी ट्रस्ट है, उसका नाम है पंतजलि। ओके, तो ये कौन से जिले से रिलेटेड है? महेंद्रगढ़ जिले से, रामदेव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले। सेकंड क्वेश्चन, हरियाणा के किस क्षेत्र में वर्षा अधिकतम होती है? ओके, तो इसका आंसर क्या है? उत्तर पश्चिम में। मान लीजिए ये हरियाणा है और हरियाणा का जो ये उत्तर पूर्व एरिया है, यहाँ यहाँ पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर बेसिकली अंबाला, यमुनानगर, करनाल, ओके, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो यहाँ पर जैसे पता है आपको ये पहाड़ी एरिया है, इसलिए यहाँ पर बरसात सबसे ज्यादा होती है। ठाकुर अनूप सिंह संबंधित है कौन से खेल से? ये है बॉडी बिल्डिंग से। हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम साक्षरता दर है? इसका आंसर है मेवात। और सबसे ज्यादा साक्षरता कौन से में अंदर है? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, प्रसिद्ध नवाब मंसूर अली खान पटौदी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है खेल क्रिकेट से। और आपको पता है इनका जो लड़का है, जो सैफ अली खान, वो बॉलीवुड के अंदर एक्टर है। ओके, गीता जुस्ती का किस खेल से संबंध है? इसका आंसर है दौड़ से, यानी ये रनर है। ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? तो इसका आंसर है पूर्वी बंगाल के साथ। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो रोड है, कौन सा? ग्रांड ट्रंक रोड, ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ओके, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हो चुका है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार रिपीट हो चुका है और इसके दोबारा रिपीट होने की काफी संभावना है। तो इसका आंसर है 3 बार, यानी हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन विजय हुआ था? पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और कब हुआ था वो? 1556 के अंदर, और उसके अंदर जो विनर था वो था अकबर, यानी पानीपत का जो सेकेंड युद्ध था वो अकबर ने जीता था। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के कितनी बार CM रह चुके हैं? इसका आंसर है 5 बार। वो सबसे पहले 1989 के अंदर बने थे, उसके बाद 1990 के अंदर, उसके बाद 91, उसके बाद 1999 और लास्ट बार 2000 के अंदर, यानी ये हरियाणा के अंदर सबसे अधिक बार बनने वाले CM है। इसका आंसर है 5 बार। ओके, किस शहर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित है? तो इसका आंसर है पानीपत। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि ये डिस्ट्रिक्ट कौन से सन में बना। ओके, तो जैसे पानीपत है, ये बना था 1989 के अंदर। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर है 44,212 किलोमीटर, और हरियाणा में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा का 21वां नंबर है। और हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, जो 44,212 किलोमीटर, ये पूरी इंडिया का कितना है? 1.34%। ओके, तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर। बड़खल झील कहां पर है? बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है, और ये बड़खल झील बनी थी 1947 को। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये है करनाल के अंदर, और ये 1955 के अंदर बना था। नेशनल जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है, सेंटर है, ये 1955 में करनाल के अंदर स्थापित हुआ था। और जो करनाल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये स्टार्टिंग में जब
हरियाणा बना था उस टाइम, हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम एक करनाल भी था। हरियाणा राज्य ने किस क्षेत्र में 100% प्राप्ति की है? ओके, तो इसका आंसर है बिजली पहुंच हर गांव में, कि हरियाणा इंडिया का पहला राज्य है जिसने अपने राज्य के हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाई है, और ये हरियाणा ने कर लिया था 1970 यानी 1970 के अंदर। ओके, प्रति व्यक्ति आय में देश के अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है सेकंड। हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका आंसर है राव बीरेंद्र सिंह विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और सबसे कम टाइम तक विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो भी राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर है। ये मात्र 6 दिनों तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। और आपको जैसे पता, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो इसका आंसर है, ये यूनिवर्सिटी 1970 यानी 1970 के अंदर ओपन हुई थी। कौन सा सिख गुरु सच्चा पातशाह कहलाया? तो इसका आंसर है गुरु तेग बहादुर। हरियाणा के कलेसर में कौन से पेड़ों की अधिकता है? यानी हरियाणा का जो कलेसर है, कलेसर पड़ता है यमुनानगर के अंदर, तो इसमें सबसे ज्यादा पेड़ किस चीज के हैं? इसका आंसर है साल के पेड़ सबसे ज्यादा। और ये चीज जैसे मैंने बताई, ये यमुनानगर के अंदर है, और जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है ये 1989 के अंदर अस्तित्व में आया था, यानी 1989 में बना था। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है या किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है करनाल, और यह बना था 1969 के अंदर। ओके, हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर पश्चिम। मान लीजिए इंडिया है, ओके, तो इस साइड उत्तर है, नीचे दक्षिण, यहां पर पश्चिम और यहां पर पूर्व, तो हरियाणा पड़ता है यहां पर यानी उत्तर पश्चिम। ओके, तो हरियाणा कौन से साइड में स्थित है? उत्तर पश्चिम के अंदर। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका आंसर है चौधरी चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा में जो 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी कानून लागू हुआ था वह कब समाप्त किया गया? इसका आंसर है 1 अप्रैल 1998 को, यानी लगभग 2 साल तक ये चला था। और जिस टाइम ये लागू हुआ था उस टाइम मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, और अभी फिलहाल ये इंडिया की बात करें तो बिहार के अंदर भी इस तरह का कानून लागू किया गया है, और इस कानून को बिहार के अंदर मतलब लोगों की काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है श्री कप्तान सिंह सोलंकी। हरियाणा के पहले गवर्नर या राज्यपाल कौन थे? इसका आंसर है धर्मवीर। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा में किस जगह हुआ था? तो यह आई थिंक आप सभी को पता है, पानीपत के अंदर, जिसमें जो बाबर था उसने विजय प्राप्त की थी, और इंडिया के अंदर बाबर ने जो मुगल साम्राज्य है उसकी नींव डाली थी, यानी तभी से मुगल राज्य स्थापित हुआ था 1526 के अंदर। तिलियर नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? इसका आंसर है, वो रोहतक भी जब हरियाणा बना था तो उसी टाइम जो 7 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें रोहतक भी था। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी। जैसे मैंने आपको बताया ये हरियाणा है, और जो ये साइड है यहां पर शिवालिक की जो पर्वत श्रेणियां है, यहां पर जो एरिया वो पहाड़ी एरिया, यानी पर सबसे ज्यादा बरसात भी इसी एरिया के अंदर होती है। हरियाणा के फेमस यानी प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने दीवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम को लेकर ये काफी बार रिपीट हो चुका है। ओके, तो इसका आंसर है संदेश। और जो पंडित नेकीराम शर्मा से थे, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में के रहने वाले थे? तो इसका आंसर है रोहतक के, यानी पंडित नेकीराम शर्मा रोहतक के रहने वाले थे, और उन्होंने संदेश नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित
प्रकाशित किया था हिंदी लैंग्वेज के अंदर। हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में फेमस भूतेश्वर मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर है जींद। ओके, और जींद के अंदर एक फेमस एक स्थल और है जिसका नाम है रानी का तालाब। और जींद के बारे में एक सबसे बढ़िया बात या सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो एग्जाम को लेकर कि जो जींद डिस्ट्रिक्ट है इसकी जो सीमा है ओके वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। कितने? 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ, यानी जींद की 7 जिलों के साथ इसकी जो बाउंड्री है वो टच करती है। तो ये थी आज की हमारी हरियाणा स्टैटिक जीके को लेकर पहली वीडियो जिसमें हमने कवर किए पीछे एग्जाम में पूछे गए कम से कम 40 या 30 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में दोबारा रिपीट होने की काफी संभावना है। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपनी सजेशन या सुझाव, या आप अगर आप इस तरह की दूसरी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो ओके तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि एक स्टडी या एक ज्ञान ऐसी चीज है जितना हम शेयर करते हैं उतना ही हमारा खुद का इंक्रीज होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक।